बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास स्टूडेंट्स, आई एम इसिया फॉर माय फॉर योर मैथ्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट काउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 1, काउंट एंड राइट। पेज नंबर 7 के बाद यहाँ पर लिखे बी पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में देखें, हमारे पास है 1 एंड 2, जो बड़े ब्लॉक होंगे वो शो कर रहे होंगे थाउजेंड्स को, और जो उससे छोटे हमारे पास है वो हमारे पास 100 को शो कर रहे हैं। उनसे जो छोटे हमारे पास है वो टेंस को शो कर रहे हैं। वंस पे हमारे पास जो होगा वो बिल्कुल सेपरेटली जो छोटे ब्लॉक्स होंगे, देखिएगा सी पार्ट के अंदर जो बने हुए हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग वंस में लिखेंगे। बी पार्ट में हमारे पास ये जो बड़ा ब्लॉक है, ये इस तरह से अगर काउंटिंग की जाए तब भी 10 है, 10 मतलब 100 है, 100 100, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 1000 में आता है। 1 एंड 2 राइट इन थाउजेंड्स, ये देखिएगा 1 एंड 2, और यहाँ मैंने इसे 2 लिख दिया यहाँ पे थाउजेंड्स पे। प्लस यहाँ देखिएगा बी पार्ट के अंदर हमारे पास है, यहाँ पर थाउजेंड्स के अंदर लिखे हुए हैं 2 ब्लॉक्स, ये देखिएगा 2 ब्लॉक्स यहाँ पर राइट कर दिए। उसके बाद 100 में मेरे पास 1 ब्लॉक था, उसे मैंने यहाँ पे 100 में लिख दिया। टेंस में मेरे पास 2 ब्लॉक्स थे, उसे मैंने ये 2 टेंस में थे यहाँ पर मैंने 2 ब्लॉक्स बना दिए। और वंस प्लेस में मेरे पास कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसे मैं यहाँ पर शो करवाता, इसलिए मैंने वापस 0 लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ब्लॉक्स थे, तो वो 10000 में थे, ठीक है, थाउजेंड्स में थे, तो उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 ब्लॉक्स। और 100 में मेरे पास 1 ब्लॉक था, उसे यहाँ पर लिखा, और टेंस में मेरे पास 2 ब्लॉक्स थे। वंस में मेरे पास कोई भी ब्लॉक नहीं था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया बी पार्ट। सी पार्ट में देखिएगा 1 जो था वो मेरे पास थाउजेंड्स में था, उसे मैंने 1 में लिख दिया थाउजेंड। 100 में मेरे पास है 1 2 3 एंड 4, ये 100 में, तो यहाँ पे 100 में लिख दिए। 1 2 3 4 5 जो थे वो टेंस में थे, और ये जो सेपरेट बॉक्सेस था ये वंस को शो कर रहे हैं। ये मेरे पास 7 है, जो मैंने 7 7 लिखा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर उनके बीट्स को भी शो करवा दिया। इसी तरह से आप लोगों के ये बाकी के पार्ट्स हैं। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, और यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ दीज नंबर्स। आप लोग दीज नंबर्स के नेम यहाँ पर राइट करने हैं, जिस तरह से आप लोग पहले भी करते आए हैं छोटी क्लासेस में भी। बी पार्ट को देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 5000। 5 जो है वो 1000 प्लेस पे, आप लोग यहाँ से इसे काउंट कर सकते हैं। वंस, टेंस, 100 एंड 1000, इट मीन्स डैट 5000। 0 100, तो जहाँ पर 0 100 आएगा उसे हम लोग यहाँ पर राइट नहीं करेंगे, आगे लिख देंगे 94। ये मेरे पास आगे 94। इसी तरह से सी पार्ट है, सी पार्ट में भी वंस पे 8 है, टेंस, 100 और 1000, 3008 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3008। इसी तरह से आप लोगों के ई पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर डैट मैच ईच नेम। आप लोगों ने हर नंबर को उसके साथ मैच करना है। बी पार्ट को देखिएगा 5000, तो यहाँ देखिए ज़रा 5000, 1000 प्लेस में मैंने 5 को राइट कर दिया। 600 600 आ गया। उसके बाद एंड 4, और यहाँ पे मेरे पास है कि टेंस पे कोई नंबर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे 0 लगा दिया, और उसके बाद मैंने 4 को वंस पे लिख दिया। 9000 एंड 52 9000, 9 जो था वो 1000 प्लेस पे आ गया। 52 मतलब वो हमारे पास टेंस और वंस प्लेस में था, 100 का हमारे पास क्या लग जाएगा, 0। इसी तरह से आप लोगों के ये बाकी पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से है, 1000 100 और 10 प्लेस को आप लोग यहाँ पर राइट करना है, तो उसे हम लोग यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, टू प्रैक्टिस एट होम, गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।